बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सबका ठीक हो? अल्लाह पाक हमेशा आपको बाद शाद रखे। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। मेरे साथ खड़ा हुआ है आदिल। तो आज का करते हैं व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फिर करते हैं वीडियो। तो हमारे साथ खड़ी है बाइक। हम जा रहे हैं आरे पे कुछ बालन खरीदना। आज मैं फिर उर्दू में इसलिए व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि तकरीबन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो उर्दू वाले वीडियो से आए हैं, तो इसलिए आज मैं उर्दू में। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मेरी वीडियो जो है वो तकरीबन ज़्यादातर नॉट सब्सक्राइबर देखते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। चलें आदिल, चलो। जनाब हम पहुंच गए हैं। ये हमारे पीछे आ रहा है, वो भाई बैठा है, उससे पूछ। जनाब मैं इधर आया हूँ लेकिन ये पीछे भाई बैठे हैं और एक भाई उधर पालन डाल रहा है। अगर तुम्हें ये कहते हैं कि हमारी वीडियो नहीं बनानी, वीडियो से बड़ा शर्माते हैं। बाकी इन्होंने बड़ा अच्छा सेटअप किया हुआ है माशाल्लाह, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। विवल वी 20 किलो से अभी कम है। लड़का जा रहा है और लेने विवाद। आदिल जो है वो इससे खेल रहा है, ख्याल करना हाथ ना आ जाए। फाइनली जनाब कपड़े शपड़े चेंज करके अब मैं आ गया हूँ बाहर। चार पही बुन रहा है, पता नहीं उर्दू में इसे क्या कहते हैं। चार पही वाले भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं वो पीछे। विवाद ये वो भाई है जो चार पही बुन रहा है। इसके लाला तक पता है उर्दू क्या देने को, खटली वाण मंजी नहीं, ये चार पहिया देना। ये जड़ा बड़े पाया से कुआ दे सरे की बुनदा पे, उर्दू क्या दे नहीं पता। व्यूवर हमें भी नहीं पता उर्दू में से क्या कहते हैं। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। लाला आपकी वीडियो यूट्यूब पे डालूं, कोई गुस्सा तो नहीं करोगे? हाँ न पढ़ावा वीडियो न पढ़ावा क्यों? अगे मैं आ रहे थे गया उत्तर मेरे को आ दिन भी वीडियो न पढ़ा। वीडियो पढ़ाने कहती है शर्म आती है। लाला कहता है कि मुझे शर्म आती है, वीडियो न बनाओ। व्यूअर्स लाला जी कहता है कि वीडियो नहीं बनानी, शर्म आती है मेरे ख्याल में। अगर पहले मैं आरे पे गया था वो भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे अपनी, पता नहीं क्या मसला है यहाँ के लोगों को, पता नहीं ये कहते हैं कि हमें शर्म आती है। इवें लाला शर्म आती है, लाला देख भी नहीं रहा इधर। व्यूअर्स मैं गया हुआ था स्कूल, स्कूल से वापस आया हूँ। हमने तीन चार पहियाँ बनवाई हैं तो ये लास्ट वाली है, फिर इस भाई को रोटी खिलाएंगे इंशाल्लाह। भैया एक चार पही पे कितना टाइम लगता है? आधा घंटा। हम तो बाबा आ गए। चला जा ले आ मुर्गा। ये बैठा हुआ है रहमान, वो आमद है। आमद क्या उठाया हुआ है? बाबा मारेगा इसे, रख दो बाबा। कुकर से क्या है? जामुर का ले आ जो हम न्यू ले आए हैं। चल जा जाना। ये दाढ़ी ताती मान। ये शुएब भाई आए हुए हैं जो रिश्ते में मेरे चाचू लगते हैं। चाचू लगते हो? जी जी ऐसा है। विवर ये वो मुर्गा है जो मैं ले आया हूँ बच्चों के लिए। ये माशाल्लाह आप चेक करें इसे, ये तकरीबन 1.5 साल का। ये एक दोस्त ने दिया है। मेरे पास दो मुर्गियाँ हैं असील, उनके लिए मैं ले आया हूँ क्योंकि जब वो अंडे देंगी तो मैं इन्हें इसे वापस कर दूँगा। यानी कि ये जिसका है उसे दे आऊँगा। ये आप चेक करें माशाल्लाह।
अच्छी है, इसकी नलियाँ चेक करें। आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि मुर्गा कैसा है बच्चों के लिए। बहुत अच्छा। मैं नीचे इसे खड़ा करता हूँ, चेक करें आप। वो पीछे मुर्गी खड़ी है, उधर मुर्गी दिखा, वो सामने मुर्गी जा रही है, उसको देख कर ये देखें, ये फड़फड़ा रहा है। ओए मेरा अंगूठा डाल खाता तो व्यूअर्स, इस लाले से पूछते हैं, लाला इधर आना। मैं नहीं। लाला इधर तो आओ। अच्छा ये बताओ, ये मुर्गा कैसा है? मुर्गा अच्छा है मामा। ये मुर्गा कुकुर चंगे हैं। ये देखो व्यूअर्स बांग दे रहा है, असल में इधर एक मुर्गा आया हुआ है और एक रिवर था। मैं जा रहा हूँ इसे घर छोड़ने, आमद मेरे साथ है। व्यूअर्स आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये मुर्गा कैसा है बच्चों के लिए, मैं ले आया हूँ। व्यूअर मैं इसे घर छोड़ता हूँ और चार पे वाले के लिए रोटी भी लेके जानी है। वो पीछे से कह रहा था कि आपका काम जो है वह मुकम्मल हो गया है, रोटी ले आओ क्योंकि फिर जुम्मे का टाइम होने वाला है, जुम्मा पढ़ने भी जाना है। व्यूअर्स रोटी लेके जा रहा हूँ मैं अब बाहर। आओ लाला जी, रोटी आ गई है, रोटी खा लें। विवार से इस टाइम हम जा रहे हैं कब्रिस्तान कुरान शरीफ का ख़त्म पढ़ने। मेरे पीछे रहमान, अरसलान, अदील, सुबान और पीछे है शहजाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ आफ्ताब।